जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानवा 25 अगस्त 2022 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए तो आसतु सर्वप्रथमे जानवा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय आज हूँ 25 अगस्त 2022 गुरुवार भाद्रव कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिवा 10 घंटा 26 मिनिट गति चतुर्दशी आज पुष्या नक्षत्र दिवा 4 घंटा 50 मिनिट गति अश्लेषा नक्षत्र आज कर्कट चंद्र ओहोरात्र आज पर्वोत्सव श्रीजीवं कृष्ण बलराम बेश आज शुभ बेला प्रात 5 घंटा 33 मिनिट रु 7 घंटा 12 मिनिट पर्यंत आज सूर्योदय प्रात 5 घंटा 33 मिनिट आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 5 मिनिट आज कन्या राशि घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार आज बिरी खाइबा निषिद्ध तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आसचंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करी थिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे आज आपणक कार्यक्षेत्र रे कोनोसी सहयोगी आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि परंती एथि पई विशेष सावधान रहंतु अन्यथा क्षति हेबार आशंका रहिछि वाणिज्य व्यवसाय रे दूरदर्शितारु लाभ हेबो एवं विदेश संबंध रे प्रगाढ़ता आसिबो राजनीति तथा तो समाज सेवा कार्य व्यक्ति समय उत्तम अनुकूल विद्यार्थी छात्र छात्री मान को नुआ अवसर एवं चतुर्थ भाव चंद्रदेव को गोचर आपण पारिवारिक सुखरे हानि कर किसी गृह उपकरण खराब होगा कारण गृह सुख सुविधे किसी व्यवधान देखादेपे अनावश्यक खर्च वृद्धि घटे किसी अनायास समस्या देखादेपे दैनिक व्यवसायी मानंक पाई समय उत्तम अनुकूल एवं नगद समस्यारु मुक्ति मिलिबो कार्यक्षेत्र विस्तार होगा सहित लंबा समय रु लागि रहिथवा स्वास्थ्य समस्या आपणक कार्यक्षेत्र विस्तार करिबारे आपण सक्षम हेबे किंतु लंबा समय रु लागि रहिथवा स्वास्थ्य समस्या समस्या उत्पन्न करी पारे विशेष करी मधुमेह रोगी को विशेष ध्यान रखा आवश्यक आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे वृष राशि आज आपणक कार्य रे वांछित सहयोग प्राप्ति हेबो सहयोगी आपणक कार्यक्षेत्र रे सहायक सब्यस्त हेबे एवं अधिकारी पक्षरु आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेबो आपण समस्त लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त करिबे आपणक जशरे मध्य वृद्धि घटिबो परिवार रे हस खुशी रो वातावरण लागि रहिबो एवं भाई भौनिंक ठारु विशेष सहयोग प्राप्ति हेबो किंतु माता पिताक सेवा करिवार अवसर मिलिबो कार्य व्यस्तता मध्य रे प्रेम संबंध पई समय बाहर करिबे सेथि पई मन प्रसन्न रहिबो राजनीति क्षेत्र रे आपणक वर्चस्व तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिबो लोके आपणक प्रशंसा करिबे एवं लंबा समय रु चली आसुथिबा आर्थिक समस्या रु मुक्ति मिलिबो आयर नुआ स्रोतर विकास हेबो भविष्यत पई किछि संचित योजना रे आपण निवेश करिबे तथा आपणक मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो समाज कल्याणकारी कार्य रे आपणक सहभागिता वृद्धि पाइबो स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि आज आपण भगवान राधा कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे मिथुन राशि आज आपणक स्वभाव रे एक नुआ मधुरता आसिबो एवं आपणक वाणी रे आपण समस्तक प्रिय भाजन हेबे
शिक्षा व साहित्य क्षेत्र रे जोड़ी होइथवा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिबो। जदि आपण कोनोसी विशेष महत्वपूर्ण क्रय विक्रय करबा को चाहौछंती ताहेले सफलता पाई परिबी, पारिवारिक सहयोग प्राप्ति हेबो एवं भाई भौनिंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे, जीवन साथीक सहित संपर्क आहुरी सुदृढ़ हेबो एवं संतान पक्षरु मध्य कोनोसी सुखद समाचार पाई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे, परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो, अनावश्यक खर्च रे मध्य नियंत्रण करिबे, आपणक प्रभाव क्षेत्र रे मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो, विदेश संबंधित कार्य रे सफलता पाइबे एवं आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य अनुकूल रहिबो। आज आपण गृह रे सबुज गछलता लगांतु ओ नित्य जल अर्पण करंतु। बुध ग्रह प्रसन्न हेबे। कर्कट राशि, आज आपणक कार्यक्षेत्र ओ कार्यशैली रे सकारात्मक परिवर्तन आसिबो, आपणक लोकप्रियता वृद्धि पाइबो एवं आपणक मान सम्मान रे मध्य वृद्धि घटिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज परिश्रम रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबो एवं आपणक संपर्क रे एक नुआ मधुरतार संचार हेबो। भाई मानंक सहित कोनोसी नुआ योजनार प्रारंभ करि पारंती। प्रेम जीवन रे नवीनता आसिबो एवं अपराह्न परे समय आपणक पई विशेष रूप रे शुभ रहिबो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिबो किंतु निज व्यवहार रो विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक उधारी देवानेवा थारु दूरै रहंतु एवं व्यवसायी मानंकु नुआ संपर्क रु लाभ प्राप्ति हेबो। कोनोसी अनुभवी व्यक्तिंक सहित आपण देखा साक्षात करी आपणक व्यवसाय को नुआ दिग को नेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो। गंठीबात संबंधित रोगी को आराम मिलिबो। आज आपण माता महालक्ष्मी को पूजा अर्चना करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक मानसिक चिंतित करिबो। आपण निज भविष्यत तथा आर्थिक स्थिति को नहीं चिंताशील रहिबे। व्यवसाय संबंधित कोनोसी व्यक्ति सहित महत्वपूर्ण साक्षात करि पारंती एवं परिवार रे खर्च को नहीं किछि समस्यार स्थिति देखा दे परे किंतु आपणको चुप रहिबा लाभप्रद हेबो। मानसिक चिंता कारणरु आपणक भाषा शैली रे खराब प्रभाव देखा दे परे। भाई मानंक सहित वाद विवादर संभावना रहिछि किंतु पितांक मार्गदर्शन आपणक पई सहायक हेबो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सामान्य अस्थिरता देखा दे परे एवं लाभर स्थिति रे मध्य हानि घटिबो। आज दिया जाइथवा धन फसी रहिबो। आज आपण कोनोसी प्रकार यात्रा करिवारु मध्य दूरै रहंतु, आशातीत परिणाम पाइबारी अवरोध उत्पन्न हेबो। स्वास्थ्य अवस्था मध्य सामान्य खराब हेबार संभावना रहिछि। आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आज आपणक द्वारा प्रारंभ करा जाइथवा कार्यरे प्रगति हेबो एवं लाभर स्थिति रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे समय रे निया जाइथवा निर्णय सफल साब्यस्त हेबो एवं आपणको निज अनुभवर पूर्ण लाभ मिलिबो तथा आपणक जशरे मध्य वृद्धि घटिबो। पारिवारिक संपर्क रे घनिष्ठता आसिबो एवं कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहयोगरु आपणक अटकिथिबा कार्यरे गति आसिबो। पारिवारिक धन संपद रे वृद्धि घटिबो एवं पारिवारिक वातावरण रे मधुरतार भाव रहिबो। माता पितांक स्नेह एवं आशीर्वाद पाइबे। जीवन साथीक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिबो। परिजन आपणक व्यक्तित्व रे प्रभावित हेबे एवं आर्थिक लाभ निश्चित भाव रे मिलिबार जोग रहिछि तथा आपणक संचित धन रे मध्य वृद्धि घटिबो। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु धाँ दौड़ा कार्यव्यस्तता रे दिनटी अतिवाहित करिबे। आज आपण गरीबंकु साहाज्य करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आज आपणक कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखा देबो एवं कार्यक्षेत्र रे सफलता तथा लाभर जोग रहिछि। नुआ उद्योगरु आपण लाभवान हेबे। प्रबंधन
ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାଜିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳର ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛାରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକାରୀବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ସମୟ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚରରୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ତଥା ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ନିୟୋଜନରୁ ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ନିବେଶିତ ରାଶିରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି କ୍ଷତିଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେବାନେବାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜ ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଲର୍ଜି ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ତଥା ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସଖୁସି ଓ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୂରତ୍ୱର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
स्वास्थ्यावस्था शारीरिक स्फूर्ति तथा ऊर्जावान अनुभव करिबे। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु, शुभफल पाइबे। कुंभ राशि, आज दिन परिस्थिति आपणक अनुकूल रहिबो। व्यवसाय संबंधित देखा दउथुवा समस्या सुधार आसिब एवं चाकरी क्षेत्र रे स्थान परिवर्तन अथवा नुआ अनुबंध रे हस्ताक्षर करिबार उपयुक्त समय। आपणक कुशल नेतृत्व को देखि आपणक कार्यभार रे मध्य वृद्धि घटिब। भूमि भवन बा वाहन क्रय संबंधित कार्य रे जीवन साथीक सहयोग प्राप्ति हेब एवं परिवारर कोनोसी सुखद समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शनरु आपण लाभवान हेबे एवं जीवन साथीक सहित संबंधरे सुधार हेब। पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब। पूर्वरु अटकी रहिथवा धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग रहिछि एवं व्यवसाय रे आपण करिथवा परिश्रमर सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। किंतु स्वास्थ्य संबंधित नियमर पालन करंतु एवं कोनोसी प्रकार यात्रा करिबारु आपण आज दूरै रहिबा उचित। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। मीन राशि, आज दिन टी विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई स्वर्णिम अवसर नेकि आसिब। एही अवधि रे आपणक द्वारा करा जाइथवा परिश्रमर आपणक उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब एवं आपणक आत्मविश्वास रे मध्य वृद्धि घटिब। परिवारर सहयोगरु आपण कोनोसी नुआ परियोजनार प्रारंभ करिबे। मातांक सहित संपर्क रे सुधार आसिब एवं जीवन साथीक कार्यक्षेत्र रे उन्नतिर संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी नुआ सदस्यक आगमन कारणरु पारिवारिक परिवेश आनंदमय रहिब। संतान पक्ष निज कार्यक्षेत्र रे सफलता हासिल करिबे एवं शुभ समाचार रो प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब किंतु अनावश्यक खर्च आर्थिक संतुलन खराब करी पारे। रोजगार तथा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आसुथिबा बाधा विघ्न दूर हेब। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्ति को आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेब तथा आपणक प्रभाव क्षेत्र रे विस्तार घटिब। कोनोसी प्रकार यात्रार मध्य संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्या चिंतार कारण हेब सेथिपई स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण, एहा थिला आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानको भल लागी थाए लाइक शेयर और कमेंट करी जणंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।